कहाँ चले गए थे तुम? हम तो वहाँ खिड़की के बाहर छुप गए थे। पागल हो गई हो तुम? अपनी जान जोखिम में डालने की क्या जरूरत थी? अरे अगर तुम घर में रहती और पकड़ी भी जाती तो तुम्हारे पिताजी से मैं लड़ लेता। तुम्हें कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? पोपटलाल की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। इसने जो कुछ भी किया है अगली बार ऐसा नहीं करेगा। सॉरी। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तो फिर पोपटलाल सॉरी क्यों बोल रहा था? वो बबीता जी मुझसे मदद मांग रही है और मैं नहीं कर पा रहा, इसलिए। तुम बबीता जी को मना कर रहे हो? भूल गया भारतीय संस्कार, स्त्री सम्मान? एक स्त्री को मदद के लिए ना बोल रहे हो, इसलिए तुमको कोई स्त्री नहीं मिल रही है। जेठा लाल, मैं मदद के लिए मना नहीं कर रहा, आज मदद नहीं कर पाऊंगा, मैं मजबूर हूँ। अरे दुनिया में आज तक ऐसी कोई मजबूरी पैदा नहीं हुई है जिसकी वजह से तुम्हें बबीता जी को, मेरा मतलब है अपने पड़ोसी को मदद के लिए ना कहनी पड़े। हाँ बोलो, हाँ बोलो। जेठालाल सॉरी। सॉरी बबीता जी, मुझे अर्जेंट काम से बाहर जाना है, वरना मैं जरूर आपकी मदद करता। बाय। पोपटलाल, तुम्हारे इस पाप की सजा तुम्हें तुम्हारी किस्मत देगी। पोपटलाल देखना, तुम्हारी शादी हो जाएगी। मेरा मतलब है तुम्हारी शादी कभी नहीं होगी। कितना निर्लज्ज आदमी है, चला गया ना बोल के। बबीता जी सॉरी। बबीता जी आप उदास मत होइए, पोपटलाल आपकी मदद नहीं कर सकता, पिंजरे में जाए, ये आपका बेस्ट फ्रेंड आपकी मदद करेगा। बोलिए क्या क्या काम है, मुझे बोलिए, मैं करूंगा आपकी मदद, बोलिए। एक्चुअली जेठा जी, ये आपसे नहीं होगा। बबीता जी, ऐसा कौन सा काम है जो पोपटलाल कर सकता और मैं नहीं कर सकता? एक्चुअली जेठा जी, मेरा एक कजिन आया हुआ है कलकत्ता से, जिसको जर्नलिस्ट बनना है, तो मैं चाह रही थी कि पोपट भाई जरा उनको एक दो घंटा का टाइम निकाल के मदद कर देते ना, तो उसके लिए बहुत अच्छा होता। बट अच्छा, बराबर है, इसमें मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा। हाँ वही तो। मैं रतन सिंह और लखन सिंह को छोड़ूंगा नहीं। किसे? मेरा मौसी के लड़के बचपन में मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ते थे, एक नंबर के मस्तीखोर, बिल्कुल पढ़ाई में ध्यान नहीं था उनका, और उनके संगत में मैंने भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दिया। अगर तभी मैंने मन लगा के पढ़ाई की होती तो आज मैं पत्रकार होता और मैं आपकी आज मदद कर पाता ना। लखन सिंह, इट्स ओके जेठा जी, जस्ट रिलैक्स। नहीं बबीता जी, मैं ओके नहीं हूँ, कैसे ओके हो सकता हूँ? आपको अंदाजा नहीं है आपकी मैं मदद नहीं कर पा रहा हूँ, उसका मुझे कितना कितना अफसोस हो रहा है। इट्स ओके, पर आप क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं बबीता जी, कर सकते हैं। एक आदमी है जो आपकी मदद कर सकते हैं। कौन? मेहता साहब, वो भी लेखक है ना, तो पत्रकार वाली लाइन हुई ना, मैं भी उनको फोन करता हूँ। नहीं नहीं इट्स ओके जेठा जी, मैंने मेहता साहब से भी बात किया था और आज शायद उनकी कुछ एक मीटिंग है तो वो जरा जल्दी आज ऑफिस चले गए। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं बबीता जी, एक काम कीजिए, आप मुझे आधा घंटा दीजिए, मैं अपने वो बचाओ कच्छ साइड में कुछ चक्कर चलाता हूँ, कोई ना कोई पहचान का पत्रकार निकल ही आएगा, तो फिर क्या है मैं उनको फोन करके ये सब बताता हूँ और फिर कॉन्फ्रेंस में हम लोग बात करके आपको जो पूछना पूछ लेना। ओके सॉरी, एक्सक्यूज मी, फोन। अरे हाय अय्यर। हाँ हाँ, नहीं क्या बात कर रहे हो? हाँ वाओ दैट्स नाइस, थैंक यू सो मच, दैट्स अ ग्रेट थिंग। ओके बाय, सी यू। क्या हुआ जेठा जी? आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अय्यर ने एक सीनियर जर्नलिस्ट के साथ पहचान निकाली है और वो खुद मेरे कजिन को गाइड करेंगे, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर कंसर्न। ओके बाय। ओके बाय बबीता जी। आज समझ में आ रहा है पढ़ाई का महत्व, काश मैंने पढ़ाई की होती। अरे अरे टप्पू के पापा, आप अब तक कंपाउंड में क्या कर रहे हैं? घर से तो काके निकल चुके थे, अब तक दुकान क्यों नहीं गए? तेरी राह देख रहा था कि अभी मेरी दया आएगी
और मुझे कुछ न कुछ उठ पटांग टोकेगी, लेकिन तू तो आई ही नहीं। अरे आई तो सही, बहुत देर कर दी मेहरबा आते आते। खैर तू किस तरफ चली? मैं चली रूपा मौसी की गली, उनकी बेटी पूजा की मंगनी तय हो गई। मैं चली लाला। तू मजाक कर रही है? क्या है, पूजा जी की मंगनी तय हो गई है ना, तो खरीदारी करनी है, तो हम लोग मॉल में मिलने वाले हैं, तो रूपा मौसी और पूजा जी मुझे वही मिलने वाले हैं। चल तुझे रिक्शा करा देता हूँ, चल। अरे हाथ तो छोड़िए, सब लोग देख रहे हैं। हाँ कौन देख रहा है, कोई नहीं, हाथ क्यों छोड़ो भाई, क्या भगा के थोड़ी लाया हूँ, शादी करके लाया हूँ तुझे। चल अभी मुझे सारा भर रही है। पुपट लाल निकल पड़ी, वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। खैर वो दिन भी जल्द आएगा जब मैं और बुलबुल साथ मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। बुलबुल को स्टेशन में रिक्शा में बैठा कर ले जाने वाला रिक्शा वाला मिल गया है। अरे बजा घंटा लगा घंटा, फिर वो सरव नाम का है तोरा। बेचारा रिक्शे वाला, लेकिन जिसने उसको भगाया होगा उसका क्या हाल होगा? हाँ मुंबई पहुंच गए हैं, अब बुलबुल को तो ढूंढ गए रहेंगे, पर तू क्या पूछ रहा हमसे? हाँ खट्टा नहीं कर रख फोन। अरे कब मिलेगी हमारी बेटी? दुनिया भर में अपना पावर दिखाए फिरते, आखिर किस काम का है ये पावर? हमें हमारी बेटी चाहिए। हाँ अरे बुलबुल, अरे शांति रखो, भगवती लगा तो रहे हैं पावर, अरे मिल जाएगा तुम्हारा बुलबुल। ये कमिश्नर को फोन लगा दी। हुकुम, इनकम टैक्स कमिश्नर के पुलिस कमिश्नर? अब तुम्हारा दिमाग फिर गया क्या? पुलिस कमिश्नर लगाओ। ये लीजिए। हेलो बलदेव सिंह बोल रहे हैं कमिश्नर साहब? हाँ हमारी बुलबुल तो मिलना भी चाहिए, साथ में वो आदमी मिलना चाहिए जो बुलबुल को भगा करके मुंबई लाया है, उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं। हाँ हमारी मर्जी के बगैर तो कुत्ता भी नहीं भौंकता। वाह पोपटलाल निकल पड़ी, हूँ वाइफ के लिए शॉपिंग करने जा रहे हो? आज पहली बार मिसेस पोपटलाल के लिए कपड़े, कंगन, लिपस्टिक, साथ सिंगार की सारी चीजों की शॉपिंग करूंगा। काश बुलबुल भी मेरे साथ होती। कोई बात नहीं, कुछ ही दिनों में मैं और बुलबुल साथ में मिलकर मॉल में शॉपिंग करने जाएंगे। ये अच्छी दुकान है, यहाँ चलता हूँ। आइए सर आइए, वेलकम। सुनीता। यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? मायसेल्फ पत्रकार पोपटलाल फ्रॉम तूफान एक्सप्रेस। सॉरी भाई साहब, अभी इंटरव्यू नहीं दे सकते, बहुत कस्टमर्स है। अरे भाई मुझे इंटरव्यू नहीं चाहिए। अरे नहीं नहीं भाई साहब, हम लोग एड देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। अरे मैं एड लेने भी नहीं आया हूँ। तो शॉपिंग करने आया हूँ, यहाँ इस दुकान में शॉपिंग हो सकती है? ओ सर सॉरी सॉरी सॉरी, क्या खरीदना है आपको? हाँ बताता हूँ, क्या है बहुत सारी चीजें हैं, लिस्ट बनाया मैंने, ये देखिए। पहले कुछ कॉस्मेटिक का सामान लेना। गर्लफ्रेंड? नहीं नहीं वाइफ के लिए। ओहो वाइफ के लिए इतनी लंबी लिस्ट, लगता है आपकी नई नई शादी हुई है। आपका कॉस्मेटिक का सेक्शन कहाँ? सर इस तरफ है, आइए आइए। Thank you.
अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया लिपस्टिक है। सर ये लिपस्टिक नहीं, ये काजल है जो हम लोग आंखों में लगाते हैं। अच्छा अच्छा, वो दे दीजिए आप। वो भी बहुत सुंदर लगेगा मैडम को। बस आप ये पैक कर दो, ठीक है? एनीथिंग एल्स सर? हाँ, मुझे वो ड्रेसेस भी देखने हैं। अरे हाँ बिल्कुल, आइए सर, आइए 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 सर, आइए बैठिए सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर किस टाइप के ड्रेस दिखाओ? आई मीन किस टाइप के ड्रेसेस मैडम पसंद करेंगे? पता नहीं। आप एक काम कीजिए, आप अपनी पसंद के 3-4 बढ़िया ड्रेसेस दे दीजिए। अरे हाँ, अगर मैडम को पसंद नहीं आएंगे तो एक्सचेंज तो हो सकता है ना बाद में? हाँ हाँ सर, बिल्कुल हो जाएगा, बस आपको 7 दिन के अंदर आना पड़ेगा। 7 दिन के? अगर मैडम को पसंद नहीं आया ड्रेसेस तो 7 मिनट में आके चेंज करके जाऊंगा। करके नीचे भेज दीजिए। एनीथिंग एल्स सर? नहीं नहीं, बस और कुछ नहीं, वो बिल नीचे पे करना। हाँ जी हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू। ओके थैंक यू। हाँ, आप बहुत हेल्प किया आपने मुझे। 11,400 सर। ओके ये लीजिए। अगर ये बैग्स लेके जाऊंगा तो सोसाइटी में सबको पता चल जाएगा, चेंज कर लेता हूँ। आप लोगों के पास कोई ऐसे बड़ा सा ऐसे नॉर्मल बैग होगा जिसमें ये सब ड्रेसेस में रख सकूँ? हाँ सर, दे दियो। सर मर गए। दया भैया, भाई साहब अब मुझे और 2-3 चीजें लेनी है, मैं जरा आता हूँ। श्योर सर, श्योर। चलो ना अंदर चलते हैं। हाँ चलो चलो। आइए आइए दया बहन, बहुत दिनों के बाद। क्या देवा भाई, बहुत दिनों के बाद, अभी तो आई थी 1 साल पहले, सादा काकी के बेटे की शादी थी तो शॉपिंग करने आई थी ना। हमें साड़ियाँ खरीदनी है। आप ही की दुकान है दया बहन, आइए। थैंक यू। वैसी साड़ी अम्मी तो बहुत मस्त मिलती है। क्या बात, यहाँ तो मैं अम्मी साथ ही रही। आओ देख, देखा इतनी सारी साड़ियाँ है ना कि तू पसंद करते करते थक जाएगी। आइए दया भाभी, केम छो? मजा मा। ये रूपा मौसी है और ये उनकी बेटी है पूजा। पूजा की अभी सगाई होने वाली है तो उसके लिए एकदम अच्छी, एकदम महंगी लगे ना वैसी साड़ियाँ बताओ, लेकिन भाव थोड़ा कम होने चाहिए। अच्छा इस तरफ आइए। हाँ आओ। ये देखो मस्त कलर है। हाँ दीदी, शादी तो अभी 2 साल के बाद। हाँ। मासी सुना आपने, कह रही है 2 साल के बाद, बोलो इतना अच्छा चांस मिल रहा है तो पता है हमारे
अगले बक्का वो वाली दोनों ये वहां पर है। ये तो पोपट भाई, क्या हुआ दया? वो हमारी सोसाइटी के पोपट भाई है ना, मैंने उनको देखा अभी, पर वो गायब क्यों हो गए? दया, अभी तुम पोपट भाई का नाम ले रही थी ना, इसीलिए तुम्हें भास हुआ होगा। ये देखो ये साड़ी कितनी अच्छी है। मेरा थोड़ा ऐसा ही है, सॉरी। भाई और कोई नई डिजाइन आई हो वो बताइए ना। हाय आओ ना मस्ती। चलो तुम्हारा भ्रम होगा, साड़ी देखो ना। हाँ, ये वाली देखो। देख पुजारी कितनी मस्त साड़ी है, सगाई में तेरा वट पड़ जाएगा। मस्त है, पूरा पल्लू देखो मस्त। ये पल्लू क्यों नहीं आ रहा है? अरे दया देखो। हाँ मासी। ये कितनी सुंदर साड़ी है। ये साड़ी इसमें कोई दूसरा कलर है? इसमें और कोई कलर नहीं है। नहीं 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 मासी, मजा नहीं आ रहा है, उससे अच्छा तो ये कलर है। ये देख, अरे स्टैचू। अरे दीदी ये रहा स्टैचू। अरे भाई आपके यहाँ स्टैचू चलता भी है? दया देखो ये साड़ी कैसी है। हाँ ये दिखने में अच्छी है। बहुत अच्छी और बहुत रिजनेबल साड़ियाँ मिली है। अरे वो पतले से चश्मा और छाते वाले भाई साहब अपने कॉस्मेटिक बैग तो यहीं पे भूल गए। एक मिनट, उन्होंने जैकेट और राखोड़े रंग का शर्ट पहना था। हाँ 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 नहीं वहाँ पर है। उनका नाम पोपटलाल ही है, है ना? देखा मैसी, मेरा भ्रम नहीं था, वो पोपट भाई है। आप उन्हें जानती है दया बहन? हाँ जानती हूँ, वो हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में ही रहते हैं। वैसे क्या भूल गए वो? कुछ कॉस्मेटिक्स वगैरह है, यही भूल गए हैं। ये देखिए, ये सब पोपट भाई ने खरीदा है। देवा भाई आप चिंता मत कीजिए, मैं घर ही जा रही हूँ, उनको दे दूंगी। ठीक है, याद करके भूलिएगा नहीं। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, के खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से, लेकिन अगर जहां सच हो और खुशबू हो तो छुपाए नहीं छुपते। सच किसी ने कहा है कि सच्चाई प्यार और खुशबू आप इन्हें छुपा नहीं सकते, और इस वक्त हमारे पत्रकार पोपटलाल सच छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी स्थिति ठीक वैसी है जैसे दलदल में फंसा व्यक्ति, जितना सच छुपाने की कोशिश करेंगे उतना ही फंसते चले जाएंगे। अब देखिए ना, पोपटलाल बुलबुल के पिता बलदेव सिंह से बचे हुए हैं, पुलिस से बचे, गोकुलधाम निवासियों से बचे, लेकिन दया भाभी की तीक्ष्ण नजरों से नहीं बच पाए। दुकान से तो निकल गए, लेकिन दया भाभी को सबूत के साथ यकीन हो गया है कि यहाँ पोपटलाल थे और किसी महिला के लिए शॉपिंग कर रहे थे। भाई अब अगर ये सच्चाई दया भाभी को पता चल गई है और दया भाभी ने जाके पोपटलाल से पूछ लिया तो, और मान लीजिए दया भाभी पोपटलाल के घर पहुंच गई और वहां बुलबुल मिल गई तो, इन सारे सवालों का तो एक ही जवाब है, यहाँ गोकुलधाम में बहुत 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 हंगामे और आपके घरों में बहुत 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 हंसी। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। अगर आपको सबसे पहले तारक मेहता का उल्टा चश्मा का अपडेट चाहिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना।